स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर राज खोसला सर जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कई बॉलीवुड के स्टार्स को सुपरस्टार बनाया। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज में रही हैं दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, दोस्ताना जो कि सुपरहिट रही, कच्चे धागे, मैं तुलसी तेरे आंगन की। इनके डायरेक्शन बनने वाली सबसे पहली मूवी आई थी 1955 में मिलाप। इस मूवी में देवानंद, गीता बाली, जॉनी वाकर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1956 में आई थी CID, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद, वहीदा रहमान, शकीला थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1958 में आई थी काला पानी, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद मधुवरा, नन्ही जयंत थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1958 में 16 साल, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद, वहीदा रहमान, टुनटुन लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1960 में बम्बई का बाबू, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद, सुचित्रा सेन जीवन थे। इस मूवी का बजट था 30 लाख रुपये, भारत में कमाई की 40 लाख रुपये और दुनिया में 75 लाख की कमाई की और ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें जॉय मुखर्जी, साधना, राजेंद्र नाथ और धूमल लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 32 लाख रुपए, भारत में कमाई की 1 करोड़ 25 लाख की, दुनिया में 2 करोड़ 46 लाख की कमाई की और सुपरहिट रही। अगली मूवी आई थी 1964 में वो कौन थी, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें मनोज कुमार, साधना, केएन सिंह लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में मेरा साया, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, साधना, प्रेम चोपड़ा, केएन सिंह लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में दो बदन, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें मनोज कुमार, आशा पारेख, सिमी ग्रेवाल और प्राण लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी 1967 में अनीता, इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों राज खोसला जी ने किया था। इसमें मनोज कुमार, साधना, IAS जौहर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1969 में चिराग, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, आशा पारेख ओम प्रकाश लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1969 में दो रास्ते, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, बिंदु, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1971 में मेरा गांव मेरा देश, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, आशा पारेख, विनोद खन्ना, लक्ष्मी साया लीड कास्ट में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1972 में दो चोर, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, तनुजा, केएन सिंह, लक्ष्मी छाया लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1973 में शरीफ बदमाश, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद, हेमा मालिनी, अजीत, शत्रुघ्न सिन्हा लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1973 में कच्चे धागे, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विनोद खन्ना, मौसमी चटर्जी, कबीर बेदी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी 1975 में प्रेम कहानी, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, शशि कपूर, मुमताज, विनोद खन्ना लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1976 में नहले पे दहला, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, सारा बानो, विनोद खन्ना, प्रेम नाथ, ओम प्रकाश लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन राज खोसला जी ने किया था। इसमें विनोद खन्ना, नूतन, आशा पारेख लीड कास्ट में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी 1980 में आई थी दो प्रेमी, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी, ओम प्रकाश देवनर्मा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में दोस्ताना, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीना तमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, प्राण थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1981 में दासी, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, रेखा, मौसमी चटर्जी, राकेश रोशन, सिद्धार्थ थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1984 में तेरी मांग से तारों से भर दूँ, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें नूतन, पद्मिनी कोल्हापुरे, राज
किरण लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1982 में माटी मांगे खून, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, राज बब्बर, रीना राय लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में सनी, इस मूवी को राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, अमृता सिंह, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी सन 1984 में मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल, डैनी थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1989 में नकाब, इसको राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, फरानाज, गौतमी, राकेश बेदी और अमजद खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। ये इनकी लास्ट मूवी रही, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं है। अगर इनका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस देखें तो ब्लॉकबस्टर मूवी एक रही, सुपर मूवी 6 रही, हिट मूवी 4 रही, सेमी हिट 1 रही, एवरेज 1 रही, एवरेज 2 रही, ब्लो एवरेज 4 रही, फ्लॉप मूवी 7 रही, डिजास्टर 1 रही। टोटल इनकी 27 मूवी रही। अगर इनका सक्सेस रेशियो देखें तो 70.37% रहा, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये राज खोसला सर जी का डायरेक्टिंग करियर था। इसमें से इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी मूवी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल।